ओके गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाइट में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव डायरेक्टरी के इंट्रोडक्शन को देखा था। तो आज का जो वीडियो है गाइस, उसमें हम लोग इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया गाइस, मैंने यहाँ पे एक वीएम मशीन लिया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने विंडोज सर्वर 2016 को मैंने क्या किया, वो इंस्टॉल किया है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैंने सिर्फ एक मशीन के ऊपर विंडोज 2016 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से वेरिएंस है और सर्वर के अंदर कौन कौन से वेरिएंस है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, मैंने वीएम मशीन के लिए मैंने एक जो इंस्टॉल किया, मैंने उसके लिए वीएम वेयर, आपको एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको वीएम वेयर का यूज़ नहीं पता है कैसे हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो गाइस कमेंट करना, तो मैं वी एम वेयर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से हम वी एम वेयर को इंस्टॉल करते हैं, कैसे उस पर वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ। ये मेरा वी एम वेयर का मशीन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और दिखा देता हूँ आपको मैं। आप अगर माई कंप्यूटर में जाएँ, गो टू प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, गिव मी अ सेकेंड, ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, वो है आपका विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड एडिशन। मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ गाइस 2016 का, और 2 GB रैम है और ये वटेवर, ठीक है। कंप्यूटर का नाम है गाइस टेस्ट लैब डॉट डेसी DC01 और ये भी वर्क ग्रुप पे है, ठीक है। तो अभी सिर्फ जस्ट ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है, एक फ्रेश आप कह सकते हो फ्रेश इंस्टॉलेशन किया हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अभी इसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, मैं एक्टिवेटी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिवेटी को इंस्टॉल करने के लिए गाइस, एडी मैं बोलूँगा यहाँ पे, एडीडीएस सर्विसेज को मैं इंस्टॉल करने जाऊँगा। तो एडीडीएस सर्विसेज को इंस्टॉल करते ही आपका ये मशीन क्या बन जाएगा, डोमेन कंट्रोलर DC, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है और क्या क्या चीज़ हमें स्टार्टिंग में, अगर हम विंडोज के अंदर अगर हम इसको एडीडीएस सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स इस मशीन को मैं डोमेन कंट्रोलर अगर बनाना चाहता हूँ, तो मेरी क्या प्रीरिक्विज़िट्स रहने वाली है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एडीडीएस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने पेंट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहली चीज कि अगर मुझे एक्टिवेटी इंस्टॉल करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा सर्वर है वर्चुअल मशीन, इसके ऊपर मैंने विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए अगर आप एडीडीएस सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हो, पहला ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी है कि आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो इसके ऊपर जो मैंने आईपी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 192.168.0.160, दिस आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गाइस, अगर आपको आईपी एड्रेस के बारे में, सबनेटिंग के बारे, सबनेट के मास्क के बारे में नहीं पता है, तो गाइस इसके लिए हम लोग अलग से एक सेपरेट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई नो कि आईपी एड्रेस के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो सबनेट मास्क यूज कर रहा हूँ मैं 255.255.255.0। गेटवे जो मैं यहाँ पे दूंगा, वो दूंगा 192.168.0.1, और ये मेरे वाईफाई जो राउटर है गाइस, उसका आईपी एड्रेस है, ताकि मेरा ये जो डिवाइस है, ये जो मेरा मशीन है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। डीएनएस के अंदर जो मैं आईपी एड्रेस दूंगा गाइस, ये मैं इसी सर्वर का दूंगा। अभी के लिए जस्ट आपको इन चीजों को फॉलो करना है फॉर इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी। डीएनएस में मैंने इनका एड्रेस क्यों दिया है गाइस, आपको बता दूं कि जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है, वो आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट है डीएनएस के ऊपर। डीएनएस एक काइंड ऑफ सर्विस इज अ डोमेन नेम सर्विस का, या इट इज अ डोमेन नेम सिस्टम ऑफ
और यू कैन से सर्विस। तो गाइस इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट लेक्चर रहने वाला है। तो डीएनएस क्या है कि एक सर्विस है जो कि आपके नेम को आईपी में ट्रांसलेट करता है। जस्ट लाइक आपका एक फोन है, फोन के ऊपर आपका एक फोन बुक है, दिस इज योर फोन, मोबाइल फोन, और आपके इसमें एक फोन बुक है, और फोन बुक के अंदर आप क्या करते हो, कॉन्टेक्ट नंबर जो है सेव करते हो, लेकिन उसके लिए कोरस्पॉन्ड आप क्या यूज करते हो, नेम। क्योंकि गाइस जो ह्यूमन है वो नेम को याद रख सकते हैं, नंबर्स को नहीं। इसीलिए हम लोग जो फोन नंबर जब हम यूज करते हैं तो हम लोग नेम क्यों देते हैं, ताकि हमें नाम से किसी को कॉल करना हो तो मैं, हम क्या करता हूँ, नेम को सर्च करते हैं फोन के अंदर और हम डायलिंग बटन दबा देते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है, वो बेसिकली नंबर्स को डायल करता है। सिमिलरली डीएनएस का काम क्या होता है कि आपके नेम टू आईपी में रेजोल्यूशन करता है, उसका क्या यूज है क्या नहीं है, इन फ्यूचर इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि अभी आपका मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस जो मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.0.160 गेट पे मैं बता चुका हूँ, जो डीएनएस के अंदर जो आईपी होगा वो भी इसी का ही होगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इसी चीज को फॉलो करना है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गिव मी अ सेकंड, इसकी टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर इफ आई गो, ncpa.cpl, ये कमांड होती है ncpa.cpl। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर्टी पे ले चलता हूँ। इट्स 192.168.0.160, डिफॉल्ट मास्क मेरा 255.255.0। डिफॉल्ट गेटवेज आप कोई भी आईपी दे सकते हो, मेरे इस सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस 160 कॉन्फ़िगर्ड है, और प्रेफर्ड डीएनएस एड्रेस के अंदर मैंने इसी का आईपी एड्रेस दिया। जस्ट आपको ये चीज़ अभी फॉलो करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, डीएनएस में हमने ये क्यों दिया, सब आगे चलिए लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है, दूसरा आप इसका एक आइडेंटिकल नेम, सॉरी सिस्टम का जो है एक आइडेंटिकल नेम जरूर होना चाहिए, ताकि नेटवर्क में अगर सिस्टम को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो मेरे लिए इजी रहे। तो यहाँ पे जो मैंने सिस्टम का नाम दिया वो टेस्ट लैब -DC01, ये मेरे मशीन का नेम है। ठीक है, DC01 मतलब पहला डोमेन कंट्रोल मैं बनाने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो मैं डोमेन बनाऊंगा, अब ये डोमेन क्या होता है क्या नहीं होता है आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं एक डोमेन जैसे gmail.com, microsoft.com, एक काइंड ऑफ डोमेन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं भी अपने एक डोमेन को नेम दूंगा। ठीक है, दो तरह की डोमेन होती है, एक होती है प्राइवेट डोमेन, प्राइवेट डोमेन, और एक है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन गाइस वो डोमेन होता है जो कि आपका इंटरनेट पर आइडेंटिकल होता है, जिस पे आप इंटरनेट पे जिसको आप आसानी से ढूंढ सकते हो। प्राइवेट डोमेन वो होता है जो आपके लोकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज अब, और ये अभी सेकेंड डे है, तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा इन चीज़ों के लिए। हम आगे सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पब्लिक डोमेन प्राइवेट डोमेन में क्या डिफरेंसेस है। जस्ट अभी पब्लिक डोमेन की अगर मैं बात करूँ, वो डोमेन जो कि इंटरनेट पे आपका अवेलेबल होता है, जैसे जीमेल, microsoft.com, cisco.com, xyz.com, whatever। तो आप कोई भी कंपनी का जो आपका जो पब्लिकली एक्सेसिबल है वो हम पब्लिक डोमेन बोलते हैं। प्राइवेट डोमेन वो है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। जैसे मैं आगे बात करूं, मैंने अपने डोमेन का नाम दिया टेस्ट लैब डॉट लोकल। ठीक है, डॉट लोकल ये मेरा एक डोमेन है, दिस इज माई डोमेन। तो ये जो नेम है ये मेरे क्या है, ये पब्लिकली आइडेंटिफाई है नहीं। अगर आप टेस्ट लैब डॉट लोकल डालोगे तो क्या खुलेगा आपके पास, नहीं। तो ये आपका एक मैंने लोकल डोमेन दिया है। ठीक है, तो मुझे अपने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए एक डोमेन नेम देना होता है, तो मैं भी डोमेन नेम को यूज करूंगा टेस्ट लैब डॉट लोकल। अब ये डोमेन क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स अभी आगे आएंगे, डोमेन ट्री फॉरेस्ट, ये सारी चीजें तो आप क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस रहने वाला है गाइस सिर्फ और सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन को लेकर। ठीक है, सो टेस्ट लैब डॉट लोकल डॉट कॉम में, सॉरी टेस्ट लैब डॉट लोकल में अपने डोमेन का नाम रखूंगा, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन को। तो सबसे पहले आपको सर्वर पे आना है। ठीक है, तो सर्वर पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट पे जाके यहाँ पे एक सर्वर मैनेजर का ऑप्शन आएगा, देखिए यू कैन सी सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर पे आपको जाना है। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद, इसको एक्सपेंड करने के बाद, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड रोल एंड फीचर, ऐड रोल एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करेंगे आप। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाने के बाद
यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ये आपका ओवरव्यू है इसकी विजेट के ऊपर, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अभी इसके बारे में नहीं जाना आपको, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, अभी जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं गाइस, अभी ये भी हो सकता है कि हमें जो इंस्टॉलेशन, हम कोई भी फीचर मतलब एक्टिविटी के अंदर जो अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अभी इसी मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हमें यहाँ पे रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन रहेगा, रिमोट बेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ आपको अभी जाना है, नेक्स्ट करना है। अभी इंस्टॉलेशन आपको इसी सर्वर, ये सर्वर की आईपी दिखा रहा है, ये टेस्ट लैब डॉट हाइफन DC01, ये आपके सिस्टम का नाम है और इस मशीन की आईपी है, मैं इसी के ऊपर जो है इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। तो ओके नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे सर्वर रोल, अब ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हमें इंस्टॉल करनी होती है सर्वर्स के ऊपर, जैसी सर्विस के हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन के लिए वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की, ADDS। एक्टिव डायरेक्टरी और ADDS बोथ आर सेम। एक्टिव डायरेक्टरी हम बोलते थे जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 2003 हम यूज करते थे, उस टाइम पे, उस टाइम हम उसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे, उसके डेटाबेस को एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बोलते थे। लेकिन जब हमारा 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया इन सर्वर, तो वहां पे उसका नाम चेंज करके एडी से ADDS कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो अभी हम जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो सबसे पहला रोल है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, क्योंकि ये वो रोल है गाइस जिसको अगर हम इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद हमारा ये जो मशीन है ये क्या बन जाएगा, डोमेन कंट्रोलर। एट देन हमें क्या डिप्लॉय कर रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी सेकेंड वाला ऑप्शन है, यू कैन सी। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक पॉपअप आया। अब यहाँ पे क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए, सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए उसके साथ कुछ सेल्फ और भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, मतलब प्री रिक्विटी सर्विसेज, कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी का सर्विस को आपको यूज करना है तो उसके साथ ये सपोर्टेड सर्विसेज भी आपको चाहिए होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास पॉपअप आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐड फीचर्स, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के अलावा भी जैसे यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल, ये कुछ फीचर्स हैं जो सपोर्टेड फीचर जो रिक्वायर्ड है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल होने के लिए। तो हमें इसको डिफॉल्ट के साथ ही चलना है, ठीक है। ऐड किया मैंने यहाँ से, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को जब आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद आपका जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे दो फेजेज है गाइस इंस्टॉलेशन करने के लिए, एक होता है प्री और एक होता है उसके बाद पोस्ट। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी को जब इंस्टॉल करते हैं तो गाइस इसमें दो फेजेज होते हैं, फेज वन और फेज टू। तो फेज वन के अंदर आपको ADDS जो अभी हमने यूज किया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए नॉट रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, आपको किसी भी तरह की रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इसको करना है प्रमोट दिस मशीन टू अ डीसी, मशीन टू डोमेन कंट्रोलर। तो सबसे पहले फेज वन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की सर्विस इंस्टॉल होगी, उसके बाद आप इसको प्रमोट कर दोगे डोमेन कंट्रोलर के लिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फेज टू के लिए जो है रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है। तो फेज वन के अंदर हमारे को सिर्फ ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए कोई सर्विस, कोई भी रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जैसे फेज टू के लिए मैं उसको प्रमोट करूंगा डोमेन कंट्रोलर के लिए, तो वो मेरे को रिक्वायरमेंट रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, मुझे कंपलसरी रीस्टार्ट करना। तो चलते हैं वापस, अभी हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो अभी आप देखना जैसे ही कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा तो सर्वर के पास एक पॉपअप आएगा या एक लिंक आएगा जहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको प्रमोट कर सकता हूँ डोमेन कंट्रोलर के लिए। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। देखिए गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे आपको कुछ 5 से 7 मिनट, कई बार 2 मिनट में भी हो जाता है, कभी 4 मिनट, अभी यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने वेट किया और मेरी इंस्टॉलेशन जो है DDS की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा गाइस तो आपके पास यहाँ पे
एक मैसेज आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, जैसे मैंने बताया अभी आपको, इस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, दिस इज द लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं यहीं से ही इस मशीन को डोमेन कंट्रोल के लिए प्रमोट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको यहाँ से क्लोज कीजिए, आपका जो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, देखिए ये दिस, सॉरी दिस, तो आप यहाँ पे ये जो आपका ये जो येलो कलर का येलो मार्क आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे फ्लैग के ऊपर, और फ्लैग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है सेम चीज, प्रमोट दिस सॉरी प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस लिंक पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे, तो वेट करते हैं। प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ये आएगा। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली है गाइस, इन चीजों को गाइस हम इन डिटेल में आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो मैं बेसिक चीजों को जो फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो आइए उन ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है जो एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है और उस एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर आप इस सर्वर को ऐड करना चाहते हो तो आप पहले वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे। तो पहले वाला ऑप्शन बताता है कि आपका अगर एग्जिस्टिंग डोमेन है तो उस डोमेन के अंदर अगर इसको ऐड करना चाहते हो तो दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऐड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, अभी के लिए इन दोनों ऑप्शन को आप भूल जाइए, इनको हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे गाइज, जब हमारे पास ट्री का कंसेप्ट आएगा, चाइल्ड डोमेन का कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे हम यहाँ पे चीज इसको यूज करेंगे। अभी के लिए जो आपको सिलेक्ट करना है इन तीनों में से वो है आपका दिस एड अ न्यू फॉरेस्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर को क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं गाइस। ऐसा भी तो हो सकता है जिस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं या जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे पहले से ही कोई डोमेन कंट्रोलर चल रहा हो और आपको एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है, मतलब एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर, कि अगर मेरा एक डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाए तो दूसरा बैकअप डोमेन कंट्रोलर के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, काम करा सकता हूँ। तो गाइस उस केस में मैं इन ऑप्शनों का यूज करता हूँ, डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के इनके बारे में भी। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग ये जानते हैं कि हम ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, हमारे नेटवर्क में कोई भी डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक दिस ऑप्शन, गिव मी सेकंड, आई विल क्लिक दिस ऑप्शन एड अ न्यू फॉरेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रूट डोमेन नेम, अब गाइस जब भी आप कोई डोमेन क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, जैसे मैं यहाँ पे अब डोमेन का नाम दूंगा लाइक टेस्ट, सॉरी टेस्ट लैब डॉट लोकल, और ये मेरा क्या है, एक रूट डोमेन है, फर्स्ट डोमेन। तो जो पहला जो डोमेन है जो हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, रूट डोमेन बोलते हैं। तो अभी तो हमारे पास कोई भी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट टाइम हम देंगे तो यहाँ पे देंगे टेस्ट लैब डॉट लोकल, डॉट कॉम दे सकते हो, डॉट इन दे सकते हो, वट एवर, लेकिन मैंने यहाँ पे डॉट लोकल ही यूज किया है। डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे रीजन है, ठीक है। ये सारी चीजें गाइस एडवांस लेवल की चीजें हैं, अगर मैं अभी समझाने लगूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो अभी जिस चीजों को फोकस कर रहे हैं उसी पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, टेस्ट लैब डॉट लोकल, गाइज आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट लोकल, HCL.com, व्हाटएवर, जो भी आपको देना चाहे, लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ डोमेन नेम वो है टेस्ट लैब डॉट लोकल। नाम को जरूर एक बार नेक्स्ट करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम, अब यहाँ पे गाइस कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट फंक्शन लेबल एंड डोमेन फंक्शन लेबल, ठीक है। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हम जो डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल कर रहे हैं इसके लिए हम लोग विंडोज सर्वर 2016 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आप फर्स्ट टाइम 2016 को इंस्टॉल कर रहे हैं और वहां पे कोई भी अभी तक सर्वर डिप्लॉय नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम पहला सर्वर है, तो गाइस डिफॉल्ट ही रहने दो, उसको क्या दिक्कत आएगी क्या आएगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके एनवायरमेंट में पहले से ही कोई डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है
और उसके ऊपर 2016 के नीचे का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, मीन्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही एक डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2012 R2, मतलब 2012 R2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो गाइस आपको अपना फंक्शनल लेबल भी यहां से इस डोमेन कंट्रोलर का क्या करना होगा, डाउन करना होगा। मींस यहां से अगर आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे यू विल गेट द ऑप्शन 2008 8 R2 12 R2 2012 R2 और लास्ट इज 16। बट अगर आपके पास कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम का डोमेन कंट्रोलर नेटवर्किंग में एग्जिस्ट करता है, आपके नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे चूज करेंगे। अब मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, मेरे नेटवर्क में कोई भी प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम का डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल एंड डोमेन फंक्शनल लेवल। गाइस इसकी इन फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ आपको इन चीजों को डिफॉल्ट छोड़ना है अगर यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम। नाउ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, जैसे कि डोमेन नेमिंग मास्टर। आपको बता दूं कि जो डीएनएस का जो रोल है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो डीएनएस के ऊपर डिपेंडेंट है। डीएनएस की रिक्वायरमेंट है अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हो, तो एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट डीएनएस काम नहीं करती है। तो इसके साथ पहले ही बाय डिफॉल्ट इसको मैं अनचेक भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रे आउट है, अगर मैं इसको अनचेक करने की कोशिश करूं आई विल नॉट, नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये प्रीरिक्विटीज है। और नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल कैटालॉग सर्वर। ये भी एक काइंड ऑफ सर्विसेज है जो कि रिक्वायर्ड है फर्स्ट टाइम जब हम डोमेन कंट्रोल को डिप्लॉय करते हैं। जब सेकेंड टाइम मैं कोई दूसरा डोमेन कंट्रोल डिप्लॉय करूंगा इसी डोमेन के अंदर, तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं ये ग्लोबल कैटलॉग को इंस्टॉल करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है। बट एट द टाइम हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं इसको ग्रे आउट नहीं कर सकता। और ये वाला लास्ट वाला जो है एक ROD रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर। आने वाले एक दो वीडियो के अंदर हम इसको इंस्टॉलेशन भी देखेंगे ROD क्या होता है, ठीक है? तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले वाले दोनों ऑप्शन आपके ग्रे आउट हैं, ये प्रीरिक्विटीज हैं एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल होने के लिए। डोमेन कंट्रोल को बनाने के लिए आपको DNS और ग्लोबल कैटलॉग चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे है पासवर्ड सेक्शन। यहाँ पे गाइस क्या है, एक डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM पासवर्ड। गाइस जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करते हैं, मींस अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी में कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास बैकअप पड़ा हो। तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को रीस्टोर करते हैं गाइस, तो हमें से वहां पे पासवर्ड पूछता है। तो गाइस दो, अब एक पासवर्ड जब हम सिस्टम पे लॉग इन करते हैं, जब एक्टिव डायरेक्टरी को हम सिस्टम को लॉग इन करेंगे तो उसका एक पासवर्ड चाहिए होगा। वो पासवर्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हो सेम, या आप डिफरेंट भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने सिस्टम का पासवर्ड और DSRM का पासवर्ड आपने अलग अलग रख दिया, डिफरेंट रख दिया, तो गाइस DSRM के पासवर्ड को आपको याद रखने का या फिर कहीं पे सेफ लोकेशन पे आपको उसको स्टोर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने सेम रख दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन DSRM का पासवर्ड और इसका पासवर्ड दोनों को आपने डिफरेंट कर दिया, तो जब आप डायरेक्टरी सर्विस को रिस्टोर करोगे तो वहां पे ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिलहाल के लिए अभी आप जो पासवर्ड मेरे सिस्टम का है वही, मैं यहाँ पासवर्ड मेरा यहाँ पे है एडमिन एट द रेट 123, सेम पासवर्ड मैं DSRM का रखूंगा। अगर मैं रखना चाहूँ डिफरेंट तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है? इसका सिस्टम के पासवर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। एडमिन एट 123, एडमिन एट 123 सेम, मैंने जो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है वही मैंने यहाँ पे रखा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रख सकते हो, मीन्स सिस्टम का पासवर्ड अलग, इसका पासवर्ड अलग। लेकिन अगर आप इसका पासवर्ड अलग रखते हो तो उसको सेफ लोकेशन पे आपको स्टोर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पॉइंट टाइम पे। अगर आपको ये पासवर्ड अगर आपको याद नहीं हुआ तो आपका रिस्टोर नहीं होगा आपका डेटाबेस, ठीक है? तो मैंने सेम ही रख दिया है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे नेट बायोस नेम गाइस।
नेट बायोस नेम जो है गाइस आपके माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है। अभी आपने बताया, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, डीएनएस का भी ये काम है। तो डीएनएस का काम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजॉल्व करता है आईपी में। मींस अगर मैं बात करूं, मेरे सिस्टम का नाम है टेस्ट, देखिए यहां पे एक चीज समझना है आपको, टेस्ट लैब को अगर मुझे आईपी में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द दिस मशीन, 192.168.0.160। तो अगर मेरे को इस नाम को कन्वर्ट करना है इस आईपी के थ्रू, तो मैं यहां पे नेट बायोस का यूज करूंगा प्रोटोकॉल का। यहां पे मेरा नेट बायोस का प्रोटोकॉल काम करेगा। लेकिन अगर मेरे, जैसे मेरे मशीन का नाम है मान के चलो DC1, तो जब मैं इस डोमेन नाम को, मैं यहां पे अब मैं जब डोमेन बना दूंगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा इसका डोमेन नेम टेस्ट लैब डॉट लोकल। तो ये जो नाम हुआ गाइस, ये क्या हुआ, मेरा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN, इसको मैं FQDN बोलूंगा, ये मेरा नेम है। तो अगर मुझे इस पूरे, आखिरकार तो ये जो DC1 है ये मेरा यही मशीन है, मैं यहां पे आपको सही से समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो मेरा एक मशीन का नेम है DC1 और ये मेरा सिस्टम का नेम है DC1। तो DC1 मेरे सिस्टम का नेम है, आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.160। तो अगर मैं सिर्फ इस नेम को, ओनली DC1 को अगर मैं आईपी में कन्वर्ट करता हूं या कन्वर्ट होकर मेरे पास आता है, तो वो आता है आपके हेल्प से नेट बायोस प्रोटोकॉल से। नेट बायोस प्रोटोकॉल क्या करता है, नेम टू आईपी रिजोल्व करता है। लेकिन अगर इसी मशीन का नाम अगर मैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जैसे DC1 डॉट टेस्ट लैब डॉट लोकल, सेम मशीन है बस इसके साथ क्या है, इसका डोमेन नेम है, तो इसको मैं बोलूंगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर मैं इसको रिजोल्व करना चाहता हूं आईपी के अंदर, तो मुझे डीएनएस सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम के लिए डीएनएस रिजोल्व करता है नेम टू आईपी, मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन टू आईपी। और जो सिर्फ नेम को अगर कन्वर्ट करता है, मैं ये चीज गाइस आपको डीएनएस के लैब में दिखाऊंगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे तब केस में। तो मैं पहले नेम, मैं नेम से भी उसको रिजोल्व करवाऊंगा और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम से भी रिजोल्व करवाऊंगा। दोनों के केस में आपके दो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज होते हैं। हम लोग कई बार, मैं दिखाऊंगा जब हम लोग इसका लैब करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नेट बायोस जो प्रोटोकॉल है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल है, और जिसका काम क्या है नेम टू आईपी रिजोल्व कराने के लिए, ठीक है। तो जो मेरे मशीन का नाम है यहाँ पे टेस्ट लैब डीसी, डोमेन का जो नेम है, सॉरी नेट बायोस डोमेन नेम टेस्ट लैब, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत है। टेस्ट लैब डॉट लोकल, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टेस्ट लैब नेट बायोस नेम, गाइस एक सेकेंड देना। यस, सो यहाँ पे मेरा क्या है, नेट बायोस नेम जो मेरे डोमेन का नेम है वही मेरा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो गाइस इसकी जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर साइज है, मींस अगर आप अपने नेट डोमेन नेम को यहाँ पे, जो नेट बायोस का जो नेम है वो मैक्सिमम जो कैरेक्टर सपोर्टेड है गाइस, वो 16 कैरेक्टर है, लेकिन यू कैन डिफाइन ओनली 15। मींस 0 to 16, 0 to 15 में कितने कैरेक्टर है, 16, लेकिन कैरेक्टर कितने आएंगे उसके अंदर, 15 कैरेक्टर मैक्सिमम आप इसके अंदर दे सकते हो। तो 15 कैरेक्टर से ऊपर आपका नेट बायोस नेम नहीं सपोर्ट करता माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई चेंजेस नहीं, डिफॉल्ट ही जाने दो। नेक्स्ट करो, गाइस यहाँ पे आप कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा डेटाबेस फोल्डर। तो जो गाइस मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी का एक क्या एक डेटाबेस है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, इट इज अ डेटाबेस, जहां पे आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है। तो इस डेटाबेस का जो स्टोरेज जो होता है आपका, वो होता है सी ड्राइव में, विंडोज के अंदर, एनटीडीएस के अंदर, ये इसका पाथ है। लॉग्स फाइल बनती है, जब भी कोई हमारे सिस्टम पे लॉग्स जनरेट होता है तो उसकी फाइल भी आपकी जो है स्टोर यहीं सेम लोकेशन पे होता है।
सी ड्राइव एंटिटीज डेटा। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो एक्टिवेटर का डेटाबेस है उसका लोकेशन क्या है, यू नीड द नो द लोकेशन। सबसे पहले कि लोकेशन क्या है आपकी सी ड्राइव, विंडोज और एंटिटीज। नेक्स्ट है सिसबोल फोल्डर। सिसबोल फोल्डर गाइस आपका यूज होता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एज वेल एज रेप्लीकेशन के लिए। तो ये सिसबोल फोल्डर के अंदर स्टोर होता है, डिस्कस करेंगे जब हम जीपीओ और रेप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सिसबोल फोल्डर का जो लोकेशन है वो सी ड्राइव, विंडोज और सिसबोल फोल्डर के अंदर। बस इसके अंदर इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है प्लस रेप्लीकेशन भी, जो है हमारा एक प्रोसेस होता है रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन। सो जो रेप्लीकेशन के लिए भी हमारा यही फोल्डर यूज होता है, डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो सब कुछ डिफॉल्ट के साथ ही जाना चाहो जा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाऊंगा। ये आपका रिव्यू करने के लिए कि आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, लाइक आपका डोमेन का नाम क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन लेवल क्या आपने क्या सेट किया था, ग्लोबल कैटलॉग आपने यस किया हुआ है, डीएनएस को आपने यस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, एक बार गो थ्रू कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए ऐसे नेक्स्ट कीजिए। और उसके बाद आपकी प्रीरिक्विज़िट्स चेक कर रहा है कि डीएनएस प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है नहीं है, डीएनएस का रोल अपने इंस्टॉल करने के लिए चेक किया नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हैं चेक होंगी। और सारी चीज़ें अगर एक बार टेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है ऑल प्रीरिक्विज़िट्स डिवाइस पास सक्सेसफुली, देन क्लिक इंस्टॉल टू द बिगिन इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज जो है इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइज आपको। और इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका सर्वर एक बार रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आपका कंप्लीट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो इस तब तक ये इंस्टॉलेशन होता था, तो मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ पॉज कर देता हूँ। जो अभी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है और अभी मेरा सर्वर जो है रीस्टार्ट होने लगा है। ठीक है, वेट करते हैं जब तक ये कम बैक आता है। ये कंप्यूटर मेरा जो है आपका रिस्टार्ट हो चुका है। नाउ इसको करते हैं फुल स्क्रीन और अब करते हैं लॉग इन। ठीक है, ये जो मेरा टेस्ट लैब लैब 0 करके आ रहा है, ये मेरा डोमेन का नेम आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो यहाँ पे जो पासवर्ड हमारा था वो पासवर्ड स्टोर कर लो आप। सॉरी गाइस, वेट करते हैं। अब यहाँ पे मेरी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो है कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए गिव मी अ सेकेंड, स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ही ओपन होता है, वेट कीजिए। अब ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका, और मैं अभी आपको कुछ चीजें जो है इसके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड, ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, नाउ सबसे पहले गो टू लोकल सर्वर, यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाएंगे तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नेम टेस्ट लैब 0, सॉरी टेस्ट लैब हाइफन DC01, ये सिस्टम का नेम है। डोमेन नेम देख सकते हैं आप यहाँ पे टेस्ट लैब डॉट लोकल आ रहा है। ठीक है, विंडोज के अंदर फायरवॉल, ये इसका डैशबोर्ड है लोकल सर्वर का। फायरवॉल जो है इसका गाइज अभी ऑफ किया हुआ है, डोमेन का मतलब फायरवॉल के जो मैंने बंद किया हुआ है, विंडोज फायरवॉल को ऑफ किया हुआ है। रिमोट मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए अभी, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ये सिस्टम का आईपी एड्रेस है, यू कैन सी 192.168.0.160। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो एक ये कंप्यूटर का नेम, डोमेन नेम और आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, सो एक और चीज़ है कि गाइस कि अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, टूल पे जाओ, यहाँ पे आपका पास एक ऑप्शन आएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, इस पे आएंगे हम लोग वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स एंड कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यू कैन सी द डोमेन नेम टेस्ट लैब डॉट लोकल। तो इसका मतलब अब ये जो मशीन है मेरा क्या बन चुका है, डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। वेरीफाई करने के लिए टेस्ट लैब डॉट, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो टूल पे आइए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाइए, इसके बाद आप जाएं यहाँ पे टेस्ट लैब डॉट लोकल, डोमेन को एक्सपेंड करना है आपको। यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा
डोमेन कंट्रोलर का। अब डोमेन कंट्रोलर का जब मिलेगा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमम जूम तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे यहाँ पे डोमेन की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये मेरे मशीन का नेम है, टाइप क्या कंप्यूटर है, डीसी टाइप ग्लोबल कैटलॉग जीसी बाद में डिस्कस करेंगे, ये डिफॉल्ट साइट है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे गाइज इसके बारे में। लेकिन जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि मेरा डोमेन कंट्रोलर बना है नहीं बना है, तो सबसे पहला तरीका है कि आप जाके डोमेन कंट्रोलर पे जाओ और यहाँ पे आप देखो कि आपका डोमेन नेम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि जो हमने डैशबोर्ड में चेक किया था कि यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ रहा है और यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा जो एक्टिविटी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी मेरा जो सिस्टम है डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। नाउ अगले वीडियो में हम लोग इस डोमेन कंट्रोलर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।